हे ईश भारत वर्ष में शत बार मेरा जन्म हो। दिसंबर 1905 में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ। गोविंद और उसके साथी हरगोविंद पंत कांग्रेस के स्वयं सेवक बनकर बनारस अधिवेशन में गए। इस ऐतिहासिक अधिवेशन का सभापतित्व श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। उन्होंने करजन राज की आलोचना करते हुए कहा, ऐसे शासन का उदाहरण ढूंढने के लिए हमें अपने देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल तक पीछे लौटना होगा। बंग भंग के परिणामों के बारे में माननीय गोखले ने कहा, नृशंस और निर्बाध नौकरशाही के दमन चक्र का बंगाल ने जिस साहस के साथ सामना किया है उससे सारा भारतवर्ष आनंदित और कृतार्थ हो उठा है। सहानुभूति और राष्ट्रीय आकांक्षाओं के कारण देश के विभिन्न भाग एक दूसरे के निकट आ गए हैं। बनारस के अधिवेशन का गोविंद के मन पर गहरा असर पड़ा। श्री गोखले तथा अन्य नेताओं को सुनकर उन्हें अपना कर्तव्य और मार्ग साफ साफ नजर आने लगा। स्वतंत्रता का संदेश घर घर पहुंचाने का संकल्प गोविंद और उनके साथियों ने कुंभ के मेले में स्वयं सेवक बनकर पूरा किया। मेले में तीर्थयात्रियों की सहायता के साथ साथ कांग्रेस के उद्देश्यों, सिद्धांतों तथा कार्यक्रमों का प्रचार किया जाता था। नवयुवक गोविंद ने भी ऐसी ही एक सभा में भाषण दे दिया। आज देश की इस एकता को भंग करने की साजिश की जा रही है। बंगाल का विभाजन कर दिया गया है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि बंगाल के निवासियों के दिलों में दरार पैदा की जाए, फूट पैदा की जाए और वे शांति और भाईचारे से न रह सके। इतना ही नहीं, आज हमारी संस्कृति की खिल्ली उड़ाई जा रही है। पश्चिमी शिक्षा के नाम पर हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे धर्म को तुच्छ और घटिया बताया जा रहा है। हमारी आध्यात्मिक चेतना, हमारी संस्कृति की हत्या करने की साजिश की जा रही है। हमें इससे सावधान रहना है। आज हमारा देश गुलाम है। इस देश की माटी, इस देश का कण कण गुलाम है। तब गंगा मैया कैसे स्वतंत्र रह सकती है? अधीन होकर बुरा है जीना, मैं मरना अच्छा। स्वतंत्र होकर सरल को तज कर गरल का प्यारा, मैं पीना अच्छा। स्वतंत्र होकर मिले उपाधियां।
इसकी शिकायत प्रिंसिपल जेनिंग्स तक पहुंच गई। उसने तत्काल उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने कुंभ में सरकार विरोधी भाषण दिए थे परीक्षा में बैठने से रोकने का आदेश जारी कर दिया। गोविंद और उनके साथी स्थानीय नेताओं से मिले। मालवीय जी के अतिरिक्त श्री सुंदरलाल, श्री सतीश चंद्र बैनर्जी आदि के हस्तक्षेप तथा मुख्यतः प्रोफेसर कॉक्स के बीच में पड़ने से जेनिंग्स को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। इन सभी बातों से गोविंद की पढ़ाई में काफी व्यवधान हुआ, फलस्वरूप उस परीक्षा में वो बस द्वितीय श्रेणी प्राप्त कर सके। इसी वर्ष गोविंद ने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। लॉ कॉलेज की मधुर स्मृतियों का वर्णन करते हुए पंत जी ने स्वयं कहा था, यदि मुझसे कोई पूछे कि मेरे जीवन के सबसे सुंदर क्षण कौन से थे तो मैं निसंकोच उत्तर दूंगा कि मेरे जीवन के सबसे सुंदर और रचनात्मक क्षण जेल के जीवन को छोड़कर लॉ कॉलेज के दिनों के थे। कानून में पंत जी की स्वाभाविक रुचि थी। ये विषय भी उनके सूक्ष्म तथा विश्लेषक स्वभाव के अनुरूप था। उन्होंने आरंभ से ही कानून में रुचि लेनी शुरू कर दी थी। इन दिनों पंत जी डायरी लिखा करते थे एक सामान्य सी कॉपी पर। 7 फरवरी 1908। एक, मैं आज से धूम्रपान नहीं करूंगा। 2, मैं निम्नलिखित पुस्तकें समाप्त करूंगा, ज्यूरिसप्रूडेंस, क्रिमिनल प्रोसीजर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 3, मैं कम से कम 15 नई सरगम सीखूंगा। 4, मैं पाठ्यक्रम से बाहर की 2-3 पुस्तकें अवश्य पढ़ूंगा। इस डायरी से यह प्रतीत होता है कि पंत जी उन दिनों एक ट्यूशन किया करते थे जिससे उन्हें 20 रुपए माहवार मिलता था। इसके अलावा वे कुछ विद्यार्थियों को निशुल्क भी पढ़ाते थे। संगीत में पंत जी की रुचि की बात अस्वाभाविक सी लगती है, तथापि वे इन दिनों नित्य संगीत का अभ्यास जरूर करते थे। सन 1909 में पंत जी कानून की परीक्षा में विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम रहे। उन्हें लैम्सडन गोल्ड मेडल प्रदान किया गया।
गोविंद वल्लभ पंत ने सन 1910 से अल्मोड़े में वकालत करनी आरंभ की। मुवक्किलों की पंत जी को कभी कमी नहीं रही। पंडित बद्री दत्त जोशी के नाम की धाक उन दिनों भी अल्मोड़े में काफी थी। ननिहाल वालों के कई गांव थे, इससे काम शुरू से ही चल गया। उन दिनों के अंग्रेज अधिकारी कानूनों की मनमानी व्याख्या करना अपना अधिकार समझते थे। अभी अल्मोड़े में वकालत करते हुए कुछ ही महीने हुए थे कि एक मुकदमे में बहस के दौरान उनकी मैजिस्ट्रेट से झड़प हो गई। I never meant any disrespect to the court, sir. I merely stated that my client's case comes within the purview of the Indian Penal Code. Since you disagreed with me, I quoted the relevant sections. What I meant was that my plea may be kindly reconsidered. And I repeat that my contention is legal, valid and correct. Instead of giving your considered opinion, you deemed it proper to use words that were not at all relevant in this context. Your words have hurt my feelings and my self-respect. I therefore withdraw from this court. पंत जी के पिता पंडित मनोरथ पंत जी का तबादला काशीपुर हो गया था। काशीपुर जिला नैनीताल के अंदर एक तहसील है। नगर काफी पुराना तथा भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पंत जी को काशीपुर में वकालत जमाने में जरा भी कठिनाई नहीं हुई। जब वकालत एक बार चल निकली तो फिर उस इलाके के सभी बड़े बड़े मामले पंत जी के पास ही आने लगे और 2-3 वर्षों के भीतर ही उनकी आय 500 रुपए मासिक से भी अधिक हो गई। शुरू से ही पंत जी का यह सिद्धांत था कि जो मुवक्किल अपने मुकदमों के बारे में सही सही नहीं बताते या कुछ छिपाते तो पंत जी उनका मुकदमा लेने से इनकार कर देते थे। पंत जी ने एक मुवक्किल का मुकदमा लिया। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में वे जीत गए। विरोधी पक्ष वालों ने सेशन कोर्ट में अपील की। इसी बीच पंत जी को मालूम हुआ कि उनके मुवक्किल का सारा मुकदमा झूठा तथा बनाया हुआ है। पंत जी ने उसी समय उसकी सारी फीस लौटा दी तथा उससे कहा झूठा मुकदमा नहीं लड़ेंगे। मेरे बड़े भाई साहब का केस था तो उन्होंने पंत जी के जाके फाइल रखी, उनका अच्छा रखा और देख जाएंगे। हम मुझसे कहा पंत जी से कहा भाई दिखला देना, मैंने कहा तो वो उन्होंने उस फाइल के ऊपर 5-4 पत्थरियाँ जाकर रखी आए। सवेरे गए तो पत्थरी जैसी की तैसी रखी हुई थी। जब केस लेकर पहुँचे उसमें तो ये मालूम हुआ जैसे पूरी फाइल पढ़ चुके हों। वो जहाँ उसने बोला दूसरे वकील ने वहाँ वहीं पकड़ा, उन्होंने ख़त्म कर दिया। ज़्यादा देखते नहीं थे, उन्हीं लफ्ज़ों पर ही ख़त्म कर देते। पंत जी ने पहले नगर की सुव्यवस्था तथा सामाजिक सुधारों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1914 में साहित्य प्रचार तथा समाज सुधार के उद्देश्य से काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना पंत जी के ही प्रयत्नों से हुई। इस सभा के स्वयंसेवकों ने काशीपुर तथा नगर के बाहर भी समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय भाग लिया। पंत जी शिक्षा को विकास का मूल सूत्र मानते थे, अतः शिक्षा प्रसार के कार्य में उनकी विशेष रुचि थी। 1916 में पंत जी स्थानीय नगर पालिका में सदस्य निर्वाचित हुए। तत्पश्चात उन्हें शिक्षा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। 16 जून 1921 को उन्होंने नगर में अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा लागू करने का प्रस्ताव रखा। एक उपसमिति बनाई गई जिसने नगर में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या का पता लगाया। उपसमिति की रिपोर्ट के आधार पर 3 जनवरी 1923 से काशीपुर नगर पालिका की सीमा में न सिर्फ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई बल्कि विद्यार्थियों को किताबें और कापियां भी मुफ्त दी गई। संयुक्त प्रांत में अनिवार्य शिक्षा की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम था। शिक्षा पर बहुत जोर दिया, बहुत स्कूल खोले जिनमें लड़कियों के भी स्कूल थे और लड़कों के भी स्कूल। उन्होंने किस समय ये कल्पना की थी कि लड़कियों की शिक्षा होनी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए?
शायद काशीपुर के जब वो नगर पालिका के शिक्षा समिति के अध्यक्ष हुए और उसके बाद जब वो नैनीताल जिला परिषद के अध्यक्ष हुए, तब उन्होंने इन दोनों चीज़ों पर वहाँ पास किया इसको, और पास ही नहीं किया, उसको लागू कर दिया। काशीपुर में कोई हाई स्कूल नहीं था। पंत जी के प्रयत्नों से ही 1914 में वहां उदयराज हिंदू हाई स्कूल की स्थापना हुई। पंत जी उसके पहले मंत्री थे। सरकार को यह भ्रांति थी कि इस स्कूल में सरकार विरोधी कार्यवाहियों को प्रोत्साहन दिया जाता है, अतः सरकार इसके पीछे पड़ी थी। अवसर मिलते ही सरकार ने इस स्कूल के विरुद्ध डिग्री दायर कर दी और इसका बोर्डिंग हाउस नीलाम करने के आदेश आ गए। हमें सरकार के इरादों को नाकाम करना है। हम छात्रावास को नीलाम नहीं होने देंगे। जब तक डिग्री के 2000 रुपए पूरे जमा नहीं हो जाते, मैं भोजन नहीं करूंगा। आप लोगों में से जो भी मेरा साथ देने को तैयार हो, वो मेरे साथ चलें। हम अभी इसी समय से इस शुभ कार्य के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू करते हैं। पंत जी ने तब तक अन्न ग्रहण नहीं किया जब तक चंदे के 2000 रुपए जमा नहीं हो गए। उन दिनों काशीपुर के मुकदमे SDM डिप्टी कलेक्टर की कोर्ट में पेश हुआ करते थे। यह अदालत ग्रीष्मकाल में 6 महीने नैनीताल में लगती और सर्दियों के 6 महीने काशीपुर में। जिन दिनों कोर्ट नैनीताल में लगा करती, उन दिनों मुकदमों की सभी तारीखों पर उपस्थित रहने के लिए वकीलों को नैनीताल में भी रहने की व्यवस्था करनी होती। इस प्रकार पंत जी का नैनीताल से संबंध जुड़ा, जो जीवन पर्यंत कायम रहा। सन 1921 में अल्मोड़ा के वनों में भीषण अग्निकांड हुए और 250,000 एकड़ चीड़ के मूल्यवान जंगल आग की भेंट चढ़ गए, और इसके साथ ही सरकार का कठोर दमन चक्र शुरू हो गया और संदेह के आधार पर सैकड़ों ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लंबी सजाएं दे दी गई। सर, गवर्नमेंट्स में कम एंड गवर्नमेंट्स में गो, बट अवर ओल्ड फॉरेस्ट शैल रिमेन फॉर एवर। And it is in our interest that these forests should be preserved. So I do not consider it necessary at all to answer that charge. Our government, the mighty government as I might call it, had the hardihood to issue a communique on the very morrow of the day that these forests were on fire, saying that this was due to incendiarism and that there were political bodies and even revolutionaries at the very back of them. The Forest Grievances Committee's report at least proves one thing, and that thing has been further admitted in the Forest Administration's report, that these were genuine grievances at the time and that they were vexatious restrictions. In fact, with the hideous pillars adjoining the very homesteads of the farmers, it was very difficult for them to graze their cattle inside the forest. It was very difficult for them to get fuel for their use in the winter months on the summit of the hills. It was very difficult for them to extend their cultivation even by a few inches.
However, we all agree that whatever may be the circumstances, there should be no lawlessness in a lawless spirit. But human nature is what it is. And under such circumstances, where the very lives of these men are made unbearable and intolerable, and under these circumstances, if they burst into something which is undesirable, well, that is the only course that nature has provided for them to adopt, and nothing else. And ultimately, this committee gave the concept of Panchayati for us, which was a unique institution in India in the sense that through Panchayat forest, the village people had some rights over fodder, fuel, timber, and through Panchayati forest, the grazing lands were brought within ready reach of the community. Thus, I personally feel that it can be concluded that Pandit Govind Ballabh Pant, apart from being a freedom fighter, a statesman, he was one of the earliest environmentalists of our country. उसके साथ में एक नायक सुधार ने उन्होंने बहुत बड़ा काम यहाँ किया. नायक एक ऐसी कौम थी कि जो बहुत पद दलित और पिछड़ी हुई कौम थी. उसके कई अनैतिक इस तरह के कार्य उनके समाज में होते थे. तो पंडित पंत ने काउंसिल में लगातार उनके लिए प्रस्ताव किया और यहाँ तमाम आंदोलन किया और न्यायिक सुधार कमेटी बना करके एक न्यायिक सुधार एक्ट बनाया, जिसके अंतर्गत आज न्यायिक बहुत अपनी ऊँची श्रेणी पर पहुँच गए हैं. पंत जी का पहाड़ों में तो विशेष मान है. वो जो वहाँ के गिरिराज कहलाते हैं, कारण छोटे से समुदाय को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया. और एक कुड़ी बेकार होती थी वहाँ पहाड़ों में, क्योंकि किसी के आदमी को पकड़ लाए, कुड़ी बना लिया और उससे काम ले लिया, खाना उना दे दिया. तो पंडित पंत ने उस कुड़ी बेकार को लेकर बहुत बड़ा एक विप्लव पैदा किया है उस पूरी पहाड़ी क्षेत्र में. और लोगों को इतनी श्रद्धा है कि जैसे भगवान को पूछते हैं, ऐसे पंडित गोविंद बल्लभ पंत को पूछते हैं. कुछ ऐसे भी लोग थे पहाड़ में जिनके यहाँ लड़कियाँ प्रॉस्टिट्यूट्स बन जाती थी. उसमें उन्होंने सुधार किया उस वक्त, और मुझे लगता है कि इसमें एक उनका नेचुरल एक इंक्लिनेशन था, बड़ा स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन था. और बाद में गांधी जी के का प्रभाव जब उन पर पड़ा तो गांधी जी के सारे प्रोग्राम के तीन हिस्से थे. एक तो राजनीतिक था, एक रचनात्मक था, एक समाज सुधारक था. और जब वो उसमें पूरी तरह से आ गए तो उसके साथ तो जुड़े रहे और जिंदगी भर जुड़े रहे. कुमाऊं में राजनीतिक जागृति लाने के लिए कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई. पंत जी इसके अग्रणी थे. परिषद कुमाऊं की जनता से अनुरोध करती है कि वे मादक द्रव्यों, मदिरा और जुए के व्यसनों का परित्याग करें, अपने गांवों की उन्नति और छोटे मोटे झगड़ों आदि को निपटाने के लिए पंचायतें स्थापित करें. परिषद का विचार है कि औद्योगिक, व्यावसायिक और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार व प्रसार होना चाहिए. कुमाऊं की जंगलात संबंधी समस्याओं पर एक पुस्तिका प्रकाशित कर दी गई है. इसकी प्रतियां सरकार को सूचनार्थ भेज दी गई हैं. मैं आपको इसकी मुख्य बातें बतलाता हूं. वन अधिनियम की धारा 78 रद्द कर दी जाए. ग्रामीणों को अपने जीवन तथा फसलों की सुरक्षा के लिए हथियार प्राप्त करने की अधिकाधिक सुविधा दी जाए और
गांवों की सीमा से लगे वनों से सूखी लकड़ी और घास लाने की खुली छूट होनी चाहिए। गांधी जी के अछूतोद्धार आंदोलन ने कुमाऊं के कांग्रेसी नेताओं को भी, जो उस समय तक दो या तीन बार जेल यात्रा कर चुके थे, नई दिशा में सोचने और कार्य करने का अवसर दिया। अतः उनका ध्यान इस सामाजिक बुराई की ओर जाना स्वाभाविक था। परिवर्तित स्थितियों में समस्या को राष्ट्रीय रंग दिया गया। 10 नवंबर 1932 को इस सम्मेलन में पंत जी, बहुत बड़ी संख्या में समाज सुधारक और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस सम्मेलन में अछूतोद्धार के संबंध में महत्वपूर्ण और सार्थक निर्णय किए गए हैं। ऐसे विषयों पर थोड़ा बहुत विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन हम सब इस बात से सहमत हैं कि मानव मानव के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए नगर के समस्त मंदिर और नौले सभी के लिए खोल दिए जाएं। क्यों ना हम इस निर्णय पर तत्काल अमल करें, ताकि किसी के मन में आशंका या शक की गुंजाइश न रहे। मेरा सुझाव है कि हम सब टमटा नौला जाएं और वहां का जल पीकर सदियों से चली आ रही इस कुप्रथा का सदा के लिए अंत कर दें। लगभग 100 सवर्णों की एक टोली, जिसमें प्रतिष्ठित घरों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी थे, टमटा नौला को चली। इस टोली में स्थानीय हरिजन नेता श्री हरिराम टमटा भी थे। वैष्णव जन तो ते निरे कहिए जे पीड़ पराई जान रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए